Yeah, good afternoon. Welcome back. This is the continuation video, Juhi, of Newton's law, right? Already I have told you the derivation of Newton's second law of motion. We just did one derivation in which I have told you that how force is directly proportional to rate of change of momentum. फिर बेटा हमने उसी से डिराइव किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला. तो ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए आया तो ए हो जाएगा एफ अपॉन एम. मतलब मास और एक्सेलरेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है. अब ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं. देखो, अगर मास बॉडी का डबल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो मास अगर डबल होगा तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी, और मास अगर हाफ होगा तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज इकट्ठी वेरी करती हैं. अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी. लेकिन इसके अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा उतने ही प्रोपोर्शन में कम होगा, और एक अगर कम हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेगी. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है क्लास. तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए. मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं बताई फोर्स की. यूनिट वैसे केजी आप सभी को पता है, फोर्स की यूनिट सॉरी न्यूटन है आप सभी को पता है. पर और ये वन न्यूटन जो होता है इक्विवेलेंट होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के भी. नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 59 पर आप देख सकते हैं F is equal to ma है बेटा. और 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी पे तब एक्ट करेगा जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 न्यूटन इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 केजी एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आपको 1 न्यूटन फोर्स का आइडिया आपको चाहिए तो आपको 100 ग्राम का कोई वेट अपनी पाम पे रखना पड़ेगा. तो 100 ग्राम वेट आपकी पाम पे आपके हाथ पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगा. राइट, ये ध्यान रखना. आप सभी ने अभी F इज इक्वल टू एम इन टू ए सीखा. अब हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो न्यूटन सेकंड लॉ से एसोसिएटेड है. सभी को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी है फॉर्मूला, और एक्सेलरेशन की जगह अगर आप v माइनस u बाय t लिख दोगे बेटा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू m ब्रैकेट v माइनस u होल डिवाइडेड बाय 2. क्रिकेट मैचेस में आपने अधिकतर देखा होगा अगर कोई फील्डर स्लिप पे खड़ा है और वो स्लिप पर कैच पकड़ रहा है तो अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जाता है. उसका रीजन ये है कि ये जो फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू होल डिवाइडेड बाय टी, यहाँ पर कैपिटल F फोर्स है और T जो है टाइम टेकन है, और हम कह सकते हैं फोर्स और टाइम टेकन जो है वो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है. मतलब अगर मैं स्लिप पे खड़ा हूं, जितना ज्यादा समय मैं लूंगा कैच पकड़ते हुए अपने हाथों को पीछे ले जाऊंगा तो उतने लेस फोर्स के साथ वो बॉल मेरे हैंड को स्ट्राइक करेगी और उतना कम दर्द होगा मेरे हाथ में. समझ रहे हो? मतलब स्लिप में खड़े और ऐसे आगे करके हाथ करके कैच पकड़ लोगे ना तो ये उंगलियां टूट जाएंगी अगर बॉल सही लगेगी तो. गेटिंग माय पॉइंट? और जितना समय लोगे पीछे हाथ ले जाओगे, स्लिप पे देखना मैचेस में कि जो स्लिप पे फील्डर खड़े हैं कैच आती है तो हाथ पीछे ले जाते हैं ऐसे, क्योंकि जितना समय प्रोलोंग करेंगे कैच को उतना लेस फोर्स के साथ उनके हाथ को स्ट्राइक करेगी, क्योंकि फोर्स और टाइम जो है वो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना. ठीक है, तो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल वाला पॉइंट आई होप आप सभी को क्लियर होगा. देखिए यहाँ भी नेक्स्ट फिगर नंबर 20 में देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 60 पर, और जो बात मैंने बताई यहाँ पर देखिए क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे ले जा रहा है. ठीक है, उस पिक में भी आप देख सकते हैं. इसके बाद बात करेंगे हाई जंपर की. आपने एथलेटिक्स के दौरान, ओलंपिक्स के दौरान देखा होगा एथलेटिक मीट के दौरान कि अगर कोई हाई जंपिंग एथलीट है जब वो जंप करता है तो या तो वो सैंड पे जंप करता है और या तो वो मैट्रेस पे मतलब बिछाए जाते हैं उस पर कुशन बिछाया जाता है उस पर वो जंप करता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एथलीट को कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर वो ग्राउंड पे फॉल करेगा तो बहुत ही जल्दी उसका सारा जो अपना फोर्स है वो बहुत ही कम समय में जीरो नहीं हो पाएगा ना, उसे ज्यादा समय चाहिए. अगर मान लो ग्राउंड पे ऐसे जंप मारोगे
जो हाई जंपर है ग्राउंड पे ऐसे जंप मारेगा तो टांगे टूट जाएंगे उसके, राइट। तो अगर हाई जंपर को फॉल करना है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग साइट चाहिए, या तो कुशन मैट्रेस ऐसा कुछ होना चाहिए, या नीचे सैंड बिछाई जाती है ताकि जंपर जो है वो ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगे उसे रेस्ट की पोजीशन में आने में। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है एथलीट का वो काफी कम होगा, ड्यू टू विच अ स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द एथलीट। किसी भी कार की टेस्टिंग से पहले ना ऐसे देखो सीट बेल्ट डमीज रखी जाती हैं कार में, और सीट बेल्ट पहना के क्रैश टेस्ट किया जाता है कि कार की जब कोलिजन हो कार का किसी और उससे व्हीकल से, तो उस केस में डमीज को कितना नुकसान पहुंच रहा है। आप देखो जो ड्राइवर वाली सीट पर डमी रखी हुई है वो बाहर आ रही है शीशा तोड़ के, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, राइट। तो कोई भी कार खरीदने से पहले उसके क्रैश टेस्ट रिजल्ट जरूर देखना कि भाई वो कितनी बेनिफिशियल होगी ऐसे कोलिजन के टाइम में। अगर तो वो कार जिसकी मेटलिक बॉडी हल्की है और इतनी स्पीड से वो करेगी तो हम ही नहीं बच पाएंगे उसके अंदर, और तभी सीट बेल्ट पहनना भी जरूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट क्या करती है कोलिजन के टाइम को वो बढ़ा देती है, बात समझ रहे हो। एट द टाइम ऑफ कोलिजन टी जो है यहाँ बढ़ जाएगा, और टी बढ़ जाएगा टी और फोर्स आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो ज्यादा समय लगेगा तो लेस फोर्स के साथ चीजें आपको स्ट्राइक करेगी। इसलिए गवर्नमेंट बार बार कहती रहती है कि सीट बेल्ट पहनिए, राइट। ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ही है। तो कार्स के अंदर सीट बेल्ट होती है ताकि पैसेंजर्स को इंजरीज से वो प्रिवेंट कर सके, ये ध्यान रखना क्लास, क्योंकि बहुत ही कम समय में जो फोर्स है वो जीरो हो जाती है। और ये जो स्लाइट स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट पहनी जाती है पैसेंजर्स के द्वारा वो समय को बढ़ा देती है, उनके आगे गिरने का समय, ठीक है, टू फॉल फॉरवर्ड। लॉन्गर टाइम की वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है पैसेंजर्स का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टॉपिंग फोर्स है वो एक्ट करती है उन पर, और जो पैसेंजर्स हैं उन्हें इंजरी नहीं होती या कम होती है, राइट। क्लास इसके बाद कोई न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल तो सारे हम बोर्ड पर ही डिस्कस करेंगे, तो न्यूमेरिकल पोर्शन अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे बोर्ड पर। इसके बाद आप फिगर नंबर 26 पेज नंबर 64 देख सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने अभी आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने स्केटबोर्ड का एग्जाम्पल दिया था, आप फिगर नंबर 26 में देख सकते हैं कि ये आप हैं, स्केटबोर्ड आपने पहन रखे हैं और आप फोर्स लगा रहे हैं अपने पुश का किसी भी वॉल पे, तो वॉल भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से आप डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो जितना फोर्स आप वॉल पर लगाएंगे उतने ही फोर्स के साथ आप डिस्प्लेस बैक हो जाएंगे। तो देखिए, जब भी कोई बॉय एग्जर्ट करता है फोर्स वॉल पर तो वॉल भी इक्वल और अपोजिट ही फोर्स एग्जर्ट करता है बॉय पर। ये एक इलस्ट्रेशन है किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ का। कुछ और एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि अगर कोई भी एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रभावित कर रही है फोर्स लगा के, तो जो फर्स्ट बॉडी है वो इंट्रैक्ट करेगी सेकंड बॉडी के साथ। तो ये ध्यान रखना, ये इंट्रैक्शन सिर्फ पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे नहीं लगाएगी, दूसरी पहली पे भी लगाएगी, राइट। जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे लगाएगी उतना फोर्स सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे भी लगाएगी, इक्वल और अपोजिट होता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बेटा वो ये कहता है कि जब भी कोई एक बॉडी एक्सर्ट करेगी दूसरी बॉडी पर फोर्स, तो सेकेंड बॉडी भी इक्वल और अपोजिट ही फोर्स एक्सर्ट करेगी उस बॉडी पर। जैसा कि आप पेज नंबर 65 पर एक पिक में देख सकते हैं कि काउ को या बुल को, शायद हाँ काउ को एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, तो जितना फोर्स काउ पर लगा रहा है उतना फोर्स काउ भी लगा रही है, इक्वल लगा रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। लैब में आप स्प्रिंग बैलेंस जो कि एक वेट मेजरिंग डिवाइस होता है, ये फिजिक्स लैब में अवेलेबल होता है, इसकी हेल्प से भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंस दे रखे हैं फिगर नंबर 28 में। फिगर नंबर जो पहला वाला स्प्रिंग बैलेंस है जो हुक के साथ अटैच है, उस पर 4 न्यूटन का फोर्स है, वो रिएक्शन है। आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे, आप पहले वाले पे राइट साइड से जो पहला उस पर लगा रहे हो 4 न्यूटन, पर सेम ही फोर्स दूसरे वाले स्प्रिंग बैलेंस पे भी आप देख सकते हो, राइट।
क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है आपको पता है, फिगर नंबर 29 में देख सकते हैं, वो दो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। वेट यानी एक्शन वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसका रिएक्शन ऊपर एक्ट करता है। जैसे कि कोई बॉक्स अगर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज एक्ट करती हैं। कुछ और एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ पे, नेक्स्ट पेज नंबर 66 पे देखिए कि जब आप वॉक करते हैं तो एक पांव आपका पीछे जाता है और उसी का रिएक्शन आपको आगे ले जाता है। जब भी आप ग्राउंड पे वॉक करेंगे तो जो हमारा फुट है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलेगा और उसका रिएक्शन फोर्स जो है ग्राउंड का, वो हमारे फुट को आगे की तरफ धकेलेगा। यही जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जो ग्राउंड के द्वारा हमारे फुट पर एग्जर्ट किया जा रहा है, इसी वजह से हम पैदल चल पाते हैं। अगर ग्राउंड स्लिपरी है या सेम अगर आप आइस पे चलना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वॉक करने, क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन जो होता है रिड्यूस हो जाता है, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्लिपरी ग्राउंड पर या आइस पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है और हम बैकवर्ड एक्शन फोर्स जो है स्लिपरी ग्राउंड या आइस पर एग्जर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये बात आप हमेशा नोट करना कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, पर वो इक्वल एक्सेलरेशन बॉडीज पर प्रोड्यूस नहीं करती। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडीज में ज्यादा होता है जिनका मास कम है, ठीक है। अगर आपने कभी ऐसे डबल बैरल गन चलाई हो बेटा, तो गन में से जो बुलेट है वो आगे निकल के जाती है, पर गन एक रिकॉइल वेलोसिटी प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से पीछे जर्क लगता है। अगर आपने शोल्डर से टिका के नहीं रखा ना ऐसे डबल बैरल गन को और आपने फायर कर दिया, तो आपका शोल्डर डिस्प्लेस हो जाएगा, कंधा उतर जाएगा नॉर्मल भाषा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो गन चलाने में भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। आप एक बैलून में हवा भर दो और उसको छोड़ दो तो क्या होगा, एयर, देखिए आप फिगर नंबर 34 को देखिए कि एयर जो है पीछे की तरफ निकल रही है और बैलून आगे की तरफ भागेगा, राइट। कई बार आपने टॉयज में किया होगा, छोटे बच्चों के टॉयज में चाबी भर के छोड़ दिया होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर चेंज हो जाती है उसमें। टॉय ऐसा आता था छोटा, उसका थ्रेड खींचो पीछे, वो आगे की तरफ जाता था। वो सब ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के एग्जांपल है। जो रॉकेट्स जो हम स्पेस में भेजते हैं उनमें क्या होता है, हाई कंबस्टिबल फ्यूल बर्न कर रहा है पीछे की तरफ और उसका रिएक्शन फोर्स उसको आगे ले जा रहा है, ऐसा ही होता है कि नहीं, राइट। तो रॉकेट, बर्निंग ऑफ रॉकेट, ये सब एक्शन और इसी पर ही रिएक्शन फोर्स पर ही बेस्ड है। अगर आप कभी किसी बोट से उतरे हो या शिप से उतरे हो तो आपने देखा होगा कि आपका एक फुट जब आगे जाता है तो वो पीछे डिस्प्लेस करता है और बोट पीछे की तरफ भागती है। तभी कभी भी हम बोट से उतरते हैं रिवर के किनारे शोर पर तो हाथ पकड़ते हैं किसी का, होता है कि नहीं होता ऐसा। तो ये सब भी किस वजह से हो रहा है बेटा, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से, राइट। ये ध्यान रखना। अगर कोई बोटमैन बोट को दूर ले जाना चाहता है बैंक ऑफ रिवर से, किनारे से, तो वो बोट में बैठता है और रिवर बैंक को अपने ओर के साथ पुश करता है, राइट। हॉस पाइप, ये हॉस पाइप क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा जो आग बुझाने वाली गाड़ियां होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विश करते हैं उनके हाथ में एक पाइप होता है बड़ा सा हॉस पाइप, उसको अगर मैं भी कंट्रोल करना चाहूं ना बगैर प्रैक्टिस के पकड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब उससे पानी निकलेगा बहुत तेज स्पीड से निकलेगा, एक्शन बहुत तेज होगा, तो उसका रिएक्शन मुझे लगातार पीछे डिस्प्लेस करेगा। तभी देखते नहीं हो कभी रॉयड्स हो जाते हैं दंगों के दौरान, गवर्नमेंट क्या करती है, पानी की बौछार करती है उसी, ठीक है। तो इसी वजह से हॉर्स पुलिंग या कार्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। हॉर्स को अपनी लेग को थोड़ा बेंड करना पड़ता है पीछे की तरफ, एक्शन लगाता है और उसका रिएक्शन घोड़ा गाड़ी को आगे ले जाता है। तो क्लास, इस वीडियो में हमने न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशन सीखी। थैंक यू।